पहले बात तो बहुत बहुत खुशी है मुझे कि मैं ड्रीम फिनाले का पार्ट बन पाया हूँ। मतलब जब मैं आया था भद्रवाह जम्मू कश्मीर से, तो मतलब एक सपना, छोटा सपना लेके आया था कि नहीं भाई स्टेज पे आना है, देखेंगे हो पाएगा कुछ कि नहीं, सिंगिंग में अपना करियर बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा। वो नर्वसनेस थी कि वो एक गाने में इतनी नर्वसनेस थी कि क्या पता क्या होगा, मतलब वो स्टेज हमें एक्सेप्ट करेगी जिस मंच ने आज हमें इस काबिल बनाया है। तो फिर वो सब वैसे जर्नी शुरू हुई उस नर्वसनेस के कारण, हम स्टेज दर स्टेज वो पार करते गए और आज जाके द ड्रीम फिनाले का पार्ट बन के बहुत बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब कभी सोचा नहीं था ऐसे ड्रीम कम ट्रू है, ड्रीम डेब्यू के बाद ये ड्रीम फिनाले, तो पूरा ऐसे ड्रीम कम ट्रू मोमेंट है। देखिए बहुत सारे दोस्त थे मेरे, मतलब जो निकलते गए एलिमिनेट हुए उनके साथ भी, मतलब उनके साथ काफ़ी बॉन्ड था। इधर भी बहुत सारे, विदिप्ता है, ऋषि है, रूपम है, काव्य, बहुत सारे थे। जी जी मेरे लिए तो मतलब मेरे हर परफॉर्मेंस को मैंने बेस्ट माना है, बट अगर एक परफॉर्मेंस बोला जाए तो मुझे जो है, जब मैंने रोज़ा जाने मन गाया था रहमान साहब के सामने, तो पहले बात तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उनके सामने गाना, उनका गाना निभा पाने बहुत बड़ी बात थी। तो उनसे ये कमेंट पाना कि आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, रोमांटिक है, मतलब मैं ऐसा था कि धन्य हो गया, मतलब तो वो मेरा बहुत मेमोरेबल मोमेंट था एक। जी 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 देखिए बहुत सारे फैन पेजेस बन गए। पहली बात तो उन सभी लोगों को, मतलब जो मेरे को इतना प्यार दे रहे हैं, उनको तहे दिल से शुक्रिया है आपको, और मतलब आप लोगों की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। और जब मैंने देखा था वो फैन पेजेस के लिए बहुत सारी बन गई है, और मतलब इतने फैन पेजेस मेरे लिए हैं, तो मैं पहली बात तो विश्वास ही नहीं कर पा रहा था, बट बहुत ग्रेटफुल उन चीज़ों के लिए मैं। मुझे सुनाई दिया वापस बोलो। काफ़ी सारे सिंगर्स हैं, मतलब मैं तो चाहता हूँ कि हम जितने भी हैं सिंगर्स यहाँ पे टॉप सिक्स जो हैं, और जो बाहर मतलब अभी एलिमिनेट भी हो गए, जो फैमिली थी टॉप 15 की, उनके साथ भी परफॉर्म करना चाहूँगा, और जो अभी लेजेंड्स हैं जैसे अरिजीत सिंह है, उनके साथ भी परफॉर्म करना चाहूँगा। अभी फ़िलहाल तो मुझे कोई ऐसा मौका मिला नहीं है, बट मैं होप करता हूँ कि मुझे मिलेगा ऐसा मौका। जी उन्होंने जो तीन जजेस हैं हमारे, बहुत प्यारे जजेस हैं। मतलब हम लोग कभी ऐसा होता है ना कि स्टेज पे आते हैं, कभी नर्वस होते हैं, कभी कभी एलिमिनेशन डे होता है तो बहुत नर्वस होते हैं हम लोग, बट फिर भी वो स्टेज का ऐसा एक वाइब बना के रखते हैं कि पॉजिटिविटी रहे। तो उनका हर बारी ऐसा रहता है कि वो पॉजिटिव रहते हैं, और तब जाके हम वो नर्वसनेस भुला के जो है वो परफॉर्म कर पाते हैं। तो जब भी ऐसा होता है कि हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो वहाँ से विशाल से कभी बोलते हैं गुड लक, ऐसा बोल देते हैं। और नेहा मैम की अलग सी पॉजिटिविटी थी, जब भी आती थी उनको देख कर ही ऐसा पॉजिटिव। और HR सर की तो बात ही अलग है, मतलब वो तो हमेशा ही ऐसे एनर्जेटिक रहते हैं हमेशा, तो जब भी ऐसे हम डर लगता है तो उनको देख के ऐसा लगता है कि बस एनर्जी से भर गए। तो मतलब हर जजेस का अपना अपना है, मतलब जी। ये ट्रॉफी अगर मुझे मिलता है तो अपने पेरेंट्स को मैं डेडिकेट करना चाहूँगा ये ट्रॉफी। जी हाँ मैं रहूं या ना रहूं, तुम मुझ में कहीं बाकी रहना, मुझे नींद आए जो आखिरी, तुम ख्वाबों में आते रहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना। थैंक यू।
फैंस को तो पहले मैं तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगा। पहली बात तो फैंस को मैं तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगा कि मतलब उनके कारण मैं ग्रैंड फिनाले का पार्ट बन पाया हूँ, द ड्रीम फिनाले का पार्ट बन पाया हूँ। और मतलब जैसे वो प्यार मुझे वो देते आए हैं, वैसे ही मुझे अगर वो विनर बनता देखना चाहते हैं तो वैसे ही प्यार दें। और बस तहे दिल से शुक्रिया उनको और कुछ नहीं। और जैसे कि हमारा प्रॉप डिज़ाइन हो रखा है इस बार, तो एक्ट बिल्कुल अमेजिंग हो रखे हैं। हमें डांस के साथ साथ गाना है और मतलब ऐसे अलग ही एलिवेट हो चुका है हमारा एक्ट। कोरियोग्राफर्स हैं, डांसर्स हैं, जो कि मतलब ऐसे सेलिब्रिटी वाइब आ रही है पूरी। बट बहुत बहुत मज़ा आने वाला है। आप प्लीज़ देखिएगा द ड्रीम फिनाले 2 अप्रैल को, वापस बोलूँगा मैं, द ड्रीम फिनाले देखना ना भूलेगा 2 अप्रैल को। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइज, आप लोगों के प्यार की वजह से हम यहाँ पर पहुँच पाए। सो वंस अगेन थैंक यू। Mm-hmm.